हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सब खैरियत से ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाएंगे कराची की मशहूर खट्टी मीठी स्पाइसी पापड़ी चाट। लड़कियों दिल थाम के बैठना, क्योंकि ये चाट होने वाली है आप लोगों की फेवरेट। इसमें हम डालेंगे इमली का खट्टा पानी, जो कि गोल गप्पों में डाला जाता है। गोल गप्पों वाला खट्टा सा इमली का पानी हम डालेंगे। बस आप लोगों ने वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब भी। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। स्टोरी कुछ यूँ है कि मैं अपना फ्रीज़र साफ़ करने लगी थी। जैसे कि आपको पता है ईद उल अज़हा आने वाली है, तो मैंने सोचा चलो फ्रीज़र को साफ़ कर लें, उसको थोड़ा खाली भी कर लें, काफ़ी मेस हुआ हुआ था। तो वहाँ पे मुझे नज़र आया ये समोसा पट्टी का पैकेट, जो कि रमज़ान का बचा हुआ था और मेरी नज़रों से ओझल था, जो कि मेरी नज़रों में आए। तो मैंने कहा चलो आज इसको यूटिलाइज़ करते हैं, ये इसको भी हम यूज़ कर लेंगे, फ्रिज भी खाली हो जाएगा। तो बस यहाँ पर वो समोसा पट्टी को मैंने निकाला फ्रिज से बाहर, 5 मिनट्स के लिए इसको बाहर रखा ताकि अच्छे से डिफ्रोस्ट हो जाए, और फिर उसको नाइफ़ की मदद से मैंने इतने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया और आसानी से ना ये एक दूसरे से सेपरेट भी हो गया था। हम सबके ही घरों में पड़ी होती हैं इस तरह की समोसा पट्टी, रोल पट्टी, और स्पेशली रमज़ान की बची हुई हैं, तो उनको यूटिलाइज़ करें और बनाएंगे मज़ेदार सी क्रिस्पी पापड़ी चाट। अगर ये शीट आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसको घर में भी बना सकते हो, सिर्फ मैदे की मदद से ये आसानी से बन जाएगी। बहुत जल्द उसकी रेसिपी भी आप लोगों से शेयर करने लगी। तो बस उसको मैंने कट कर लिया था, ऑयल को गर्म किया और गर्म ऑयल में इसको दोनों साइडों से फ्राई किया। विद इन 3 to 4 मिनट मेरी सारी पापड़ी फ्राई हो चुकी थी। फिर इसको मैंने एक प्लेट में निकाल के साइड पर रख दिया ताकि भाई पापड़ी तो हमारी रेडी हो जाए, और फिर उसके बाद सारी वेजेस भी मैंने कट कर ली थी। यहाँ पर ये देखें माशाल्लाह से मेरी सारी पापड़ी हो चुकी है तैयार। तो इसको प्लेट में निकाल के साइड पे सेट कर देते हैं। पापड़ी को फ्राई करने के बाद उसको मैंने साइड पे रख दिया, और साथ ही मैंने जैसे बच्चों के लिए फ्राइज हम बनाते हैं उसी तरह मैंने आलू के फ्राइज बनाए, और उसी ऑयल में उस फ्राइज को मैंने फ्राई कर लिया था। ये यहाँ पे हमारे फ्राइज भी तैयार हो चुके थे, और फिर इनको भी मैंने साइड पे रख दिया था, और ऊपर कुछ मैंने नमक और ब्लैक पेपर डाल के साइड पे रख दिया था, और फिर साथ ही मैंने अपनी सारी वेजेस को कट कर लिया था। इसमें जो वेजेस हम ऐड करें वो सिंपल जो हम लोग समोसा चाट और चना चाट में डालते हैं वही है, प्याज है, टमाटर है, खीरा है। जो फ्राइज हमने काटे थे उसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था, और साथ में सब्ज़ धनिया और सब्ज मिर्चे हैं, इन सारी वेजेस को मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लिया था। अब एक लेंगे प्लेट, यानी कि सर्विंग प्लेट, जिसमें आपने सर्व करना है। कोशिश करें कोई बड़ा सा थाल हो, लाइक मिट्टी का थाल या कोई भी प्लास्टिक का अच्छा बड़ा सा बाउल हो। उसके अंदर सबसे पहले बेस में हम डालेंगे सारी पापड़ी जो हम लोगों ने फ्राई की हुई थी। पापड़ी को अच्छी तरह से सेट करने के बाद उसके ऊपर बॉइल्ड चने, ये चने हम लोगों के फ्रीज़र में हर वक्त पड़े रहते हैं बॉयल हुए हुए में, क्योंकि मैं एक ही दफ़ा बॉयल करके ना उनके पैकेट्स बना के रख देती हूँ। तो ये बस मैंने ऊपर डाल दिए थे चने, फिर उसके ऊपर बूंदी डाली और जितनी वेजेस हम लोगों ने कट की हुई थी वो सारी वेजेस इसके ऊपर डाल दी। वेजेस को डालने के बाद ऊपर इसके ऊपर मैंने डाला है इमली का पानी। अब वो इमली का पानी, उसकी रेसिपी ऑलरेडी आप लोगों के साथ मैंने शेयर की हुई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देती हूँ, आप ज़रूर देख लीजिएगा। वैसे ये जो पानी है ये कौन सा पानी है ये मैं आपको बताऊँ कि ये तकरीबन 15 से 20 दिन पहले मेरे हस्बैंड लेके आए थे गोलगप्पे, तो उनका पानी जो इमली वाला पानी था ना वो काफ़ी ज़्यादा था, और वो बड़े मज़े का होता है ना, खट्टा खट्टा सा स्पाइसी, तो वो काफ़ी ज़्यादा था, बच गया था। मैंने कहा इसको डिस्कार्ड तो मैं नहीं करती, तो मैंने उसको क्यूब्स उसके बना के फ्री कर दिया। तो देखें आज वो यूटिलाइज हो गया, उसको हमने यूज़ किया और इतने मज़े का था। तो बस वो मैंने इमली का पानी डाला, ऊपर मैंने डाला दही, फिर सारे स्पाइसेस हमने डाले, जिसमें था नमक था, रेड चिली पाउडर था, सॉरी रेड चिली फ्लेक्स था, चाट मसाला था, और थोड़ा सा मैंने ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया इसमें, और इसको भी हम लोगों ने मिक्सिंग इसकी नहीं करनी। अगेन उसके ऊपर थोड़ा सा मैंने वेजेस को ऐड की, और फिर जो पापड़ी हमारी बच गई थी उसको हाथों की मदद से क्रश करके ऊपर हमने सर्व कर देनी है। तो यहाँ पर ये देखें ये तो हमारा हो गया तैयार। अब इसके ऊपर हम डालेंगे केचप, केचप डालें, अगर आपको मायो पसंद है आप मायो भी ऐड कर सकते हैं, और जो बाकी की वेजेस हैं ऊपर सर्व करते वक्त आप डालें। तो ये देखें कितने मज़े की ये चाट बन के हमारी हो चुकी है तैयार। ये आपको टेम्पटिंग तो लग रही होगी, और यकीन माने जितनी ये मज़े की लग रही है उससे ज़्यादा मज़े की ये टेस्ट में भी है। एक और बात आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी कि घर में मुझे कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती, बस आपने थोड़ा सा दिमाग अपना इस्तेमाल करना होता है, देन उसको यूटिलाइज़ करना होता है। अब यहाँ पे पापड़ी भी मैंने जो फ्रीज़र में पड़ी हुई थी उसी को यूटिलाइज़ किया, और जो इमली का पानी हमारा पड़ा हुआ था ऑलमोस्ट 1 मंथ पुराना था और बिल्कुल टेस्ट बिल्कुल वैसा ही था क्योंकि मैंने उसको फ्रीज़ कर दिया था, उसी को यूज़ किया और बनाया खट्टा मीठा सा पापड़ी चाट। आपने ज़रूर ट्राई करना है और फीडबैक भी ज़रूर मेरे से शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़।